के बाद स्वागत है आपका। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित इलाकों का भी अब तेजी से विकास हो रहा है। रघुवर सरकार की पहल के बाद अब अधिकारी खुद गांव तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है और वो अब मुख्यमंत्री रघुवर दास को धन्यवाद दे रहे हैं। हर गांव का होगा विकास, खत्म होगा नक्सलवाद। झारखंड की रघुवर सरकार की कोशिश अब रंग ला रही है। नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है और साथ ही गांवों में विकास की योजनाएं भी पहुंचने लगी हैं। खूंटी के सारी केल गांव में खेतों तक सौर ऊर्जा की मदद से पानी पहुंचाया जा रहा है। पहले किसानों को इसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन सरकार के सहयोग से अब इस परेशानी से किसानों को निजात मिल गई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने किसानों को सम्मानित भी किया, साथ ही गांव में लाह की खेती को लेकर रांची और केरल से आई विशेषज्ञों की टीम ने हर सहयोग का वादा किया। पहले हम लोग का कम उपज होता था, लेकिन अभी हम लोग वैज्ञानिक खेती से करके हम लोग का दोगुना उपज बढ़ गया और हम लोग उसी से हम लोग अपना परिवार का आर्थिक आर्थिक स्थिति सुधर में आ रहा है। बच्चा सब हम लोग सही स्कूल पढ़ा रहे हैं। सरकार और प्रधान मिल के हम लोग का गाँव को उन्नति की ओर लेके आए हैं। के हम लोग को लिफ्ट दिए और सोलर द्वारा फिर हम लोग का अभी यहाँ चालू होने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने के लिए एनजीओ और टाटा ट्रस्ट जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। महिलाओं को खेती करने और कम वक्त में ज्यादा मुनाफा हो इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही सरकारी व्यवस्था से तैयार फसलों को बेचने का काम भी खूंटी जिले में शुरू किया गया है। सरकार ने 40,000 मीट्रिक टन लाह के उत्पादन का टारगेट रखा है। तो हमारा यही मुख्यतः उद्देश्य रहता है और ये कोशिश भी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग हैं वो लाह की खेती से जुड़ें और कृषि के साथ साथ लाह की खेती भी करें ताकि उनको और ज़्यादा आमदनी हो सके। उन्नत बीज दे करके हम और भी उसका जो अभी जिस रूप में जो उपज होता है उससे हम और दोगुना तीन गुना कैसे करें, इसलिए वैज्ञानिक रूप से सरकार चाहती है कि लाह की भी खेती वैज्ञानिक रूप से हो। स्टेट में पहली बार हो रहा है कि ऐसे बोर्ड का गठन किया गया है जो मुख्य रूप से लाह, तसर, मधु और हैंडीक्राफ्ट में ध्यान दे और इन चार मेन चीजों में सबसे ऊपर जिसका नाम है वो लाह है। कभी नक्सलवाद का गढ़ माने जाने वाले खूंटी के ग्रामीण इलाकों में विकास एक सपना था, लेकिन रघुवर सरकार की पहल के बाद खूंटी में विकास की योजनाएं न सिर्फ धरातल पर उतर रही हैं, बल्कि इससे किसानों को लाभ भी मिलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।